सतगुरु कह रहे सोना वेच साजन लीजिए अने मोती करे मोल वैसा जन के छोड़िए भाई लोग के रे बोल रे भाई लोग के रे बोल बोला मैं हजर इमाम पे सलवात पढ़ रहा हूँ ना अल्लाह मुझे वो जमाना याद है तकरीबन 1934 का जिक्र है ये महीना याद नहीं रहा हमारे मिशनरी सब्जली हिंदुस्तान के अंदर सारे हिंदुस्तान में घूम फिर के ये पाठ बोला करते थे जो मैंने अभी बोला है और हिंदुस्तान के अंदर घूम फिर के जमातों को एक ऐसी चीज की याद कराई एक ऐसी चीज के लिए उनको जगाया कि जो हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं हुई थी और वो थी हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की गोल्डन जुबली। सफदर मिशनरी ने इस चीज को अपने कंधों पे उठाया सारा हिंदुस्तान फिरे उनका जो जोश और जज्बा था आप में से जिस जिसने ये सफदरी को देखा है उनको पता है दुनियावी एजुकेशन उनके पास नहीं थी बरस के डेढ़ बरस स्कूल गए थे लेकिन उनके पास इबादत का जज्बा और जोश था। हजर इमाम की खिदमत हजर इमाम की ताबेदारी सारी जिंदगी में उनकी वाजें यही होती थी। वाज करते करते तो ऐसी मस्ती में आ जाते थे कि नाचते थे वाज में नाचते थे। वो जमाने में इस तरह प्लेटफॉर्म नहीं थे तो लोगों को कहते थे मुझे इतनी जगह दो इधर से उधर उधर से इधर ऐसी उनको मस्ती करती थी। सोना व्यक्ति साजन लीजिए हजर इमाम के वजन का वो कहते थे हमको सोना चाहिए। औरतों ने अपने जेवर उतार दिए। मोमिनों 1934 का जो जमाना था बड़ा खराब जमाना था। 1930 से लेके 1938 तक दुनिया के अंदर ये लगभग 8-9 बरस इकोनॉमिकली बहुत खराब गए। हिस्ट्री में पहली दफा 1932 के अंदर ब्रिटिश ने अपने पाउंड को डिवैल्यू किया। इसके पहले लोगों को खास तौर पर ब्रिटिश सल्तनत के अंदर कि जिसका राज ईस्ट टू वेस्ट था और कहते थे कि सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर इस सल्तनत को भी अपने पाउंड की डिवैल्यूएशन करनी पड़ी। हजारों पीढ़ियां अमेरिका में कनाडा में यूरोप में और ब्रिटिश राज्यों के अंदर फेल हो गई दिवाले निकाले। अगर दो बरस और लड़ाई न लगती 1939 की जो लड़ाई थी तो दुनिया के अंदर बहुत खराबी होती। ऐसे जमाने के अंदर कि 10 रुपए की नौकरी करते थे लोग इंडिया में और घर के अंदर 10 आदमी खाते थे। लोगों के पास पैसा नहीं था और दुनिया भर में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जो वजन था वो 220 रत्तल था। उस वक्त 220 रत्तल 220 पाउंड सोना इकट्ठा करके मौला को तोलना है
कोई छोटी चीज नहीं थी, बहुत मुश्किल लगता था, एक मौजज़ा लगता था, एक सपना लगता था, मगर लोगों ने उस चीज को कर दिखाया जो न होने वाली थी। पब्लिक को जब इस बात का पता लगा कि हिंदुस्तान के खोजे इस्माइली अपने इमाम को उसके बदन के वजन पर तोलना चाहते हैं सोने में, तो लोग आंखें ऊंची करके कहते थे क्या ये सच बात है, और उस अनहोनी चीज को हकीकत बना दिया। उस वक्त ये सारे सोने की कीमत 3.5-4 लाख रुपया थी, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मुझे कुछ यहाँ ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो उस वक्त बंबई में थे, सफदरजंग मिस्त्री कहते थे कि ये आखिरी जमाने के कुछ थोड़े से समय के अंदर दुनिया में बड़े बड़े बनाव बनने वाले हैं, उनमें से एक अजीम बनाव था। 1910 में बल्कि 9 में बंबई की जमात के अंदर ये बात आई थी कि हम अपने इमाम की इमामत की जुबली बनाए, सिल्वर जुबली 1910 में थी, क्योंकि 1901 में विक्टोरिया क्वीन की डायमंड जुबली हुई थी और थोड़े टाइम के बाद फिर वो गुजर गई और किंग एडवर्ड 7th उसका जो लड़का था वो तख्त पर बैठा, तो जुबली जैसा नाम कानों के अंदर था। 1909 के अंदर अपनी जमात के जो अमलदार थे उनमें ये बात आई कि चांदी के अंदर हम अपने मौला को तोलें और सिल्वर जुबली इमामत की बनाएं, लेकिन एक दो ऐसे बनाव बन गए मौला की फैमिली में कि वो बात इमाम ने कबूल न रखी। उनमें से एक बात ये थी कि प्रिंस अली खान नामदार का बड़ा भाई जिनका नाम प्रिंस मेहदी था वो गुजर गए। इमाम सुल्तान महमूद शाह के प्रिंस अली खान से बड़े एक बेटे थे, माता थेरेसा के पेट से, प्रिंस अली खान की माँ के पेट से एक और उनका भाई था कि जब वो छोटी उम्र के अंदर इन्फेंसी में गुजर गए। एक ये भी कारण था, कुछ और भी रीजंस थे, इमाम ने कबूल न किया और 1910 की ये सिल्वर जुबली रह गई। 1911 में प्रिंस अली खान का जन्म हुआ, लेकिन मौलाना सुल्तान महमूद शाह ने किसी को खबर तक न दी, किसी को खबर नहीं थी कि इमाम के घर में दूसरा एक बेटा है। अरे उसकी खुद की मां को खबर न दी। माता सलामत को तब पता लगा कि जब 7 बरस की उम्र के प्रिंस अली खान नामदार को एक बकरे के साथ खड़ा हुआ देखा, वो तो उसकी भेजी माँ बाप ने अपनी माँ को, 6 या 7 बरस के थे प्रिंस साहब, और बकरे को लगाम पकड़ के खड़े हैं और नीचे लिखा है इन अली। जब ये फोटो अपनी माँ को भेजी तब उसको बुद्धि को पता लगा कि मेरे घर में एक पोतरा है। इमाम के फैमिली के कुछ ऐसे हालात थे, कोई वजह थी कि जिनकी वजह से सिल्वर जुबली न हो सकी। प्रिंस अली खान की विलादत हुई, बड़े हो गए तब भी पता न लगा, आखिर जब काफी बड़े हो गए 11-12 साल के हुए और माँ ने बहुत प्रेस किया तो तब प्रिंसेस इंडिया आए थे अपनी माँ के साथ, प्रिंसेस थेरेसा के साथ। सिल्वर जुबली का टाइम निकल गया, 2-3 बरस के बाद लड़ाई लगी। उस जमाने की दुनिया की हालत खराब थी, अपनी इस्माइलियों के अंदर जोश और जज्बा ईमान हमेशा जरूर रहा, मगर वाकयात ऐसे बनते रहे। 34 के अंदर इस बात को एक्चुअल शुरू करने वाले भी सफदरजंग थे। जब ये मैटर रखी गई तो दुनिया भर में पहले इमाम ने इनकार किया, फिर कहा अच्छा तुम प्लान बनाओ, स्कीम बनाओ, प्लान बना, स्कीम बनी। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत से ऐसे हैं
कि जिन्होंने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की गोल्डन जुबली 1936 के अंदर जनवरी महीने की 19 तारीख को बम्बई में हुई और मार्च की पहली तारीख 1937 में नैरोबी के अंदर हुई। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को हसनाबाद के अंदर घी तोलने वाला या और ऐसे वजनदार चीजें तोलने वाले कांटे के अंदर एक पल्ले पे उसको बिठाया, दूसरे पल्ले के ऊपर सोने की लादियां रखी गई, उसकी फोटोज हैं। आप इधर जो मौलाना हजरत इमाम की सिल्वर जुबली कमेटी इधर बैठी है, मेरी उनको एक अर्ज है कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की ये फोटो इकट्ठी करके यहाँ डिस्प्ले करो, गोल्डन जुबली की भी, सिल्वर जुबली, हीरे की जुबली की भी, डायमंड जुबली की और प्लेटिनम जुबली की। ये जो जुबलियां बनाई गई, मौला को दुनिया भर में कोई शौक नहीं था कि उसको सोने में तोला जाए, हीरे में तोला जाए। ये तो मुरीदों ने जाके मौला को कहा कि हम तेरे को तोलना चाहते हैं या मौला। और जब मौला ने इस बात को कबूल किया तो मौला ने वो सारा पैसा जमात की भलाई के लिए दे दिया, ये नहीं कि वो सोना उठा के घर ले गया। हमारा इमाम दूसरे गुरुओं की तरह नहीं है कि जिसको पैसे का लालच है। दो गोल्डन जुबलियां हुई, एक इंडिया में, एक अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर भी जो गोल्डन जुबली बनाई गई उसके लिए भी लगभग 5 लाख शिलिंग का फाड़ा चाहिए था, तो वो भी सब दली मिशनरी ने ही मेहनत करके किया। उनके फाड़े में, उनकी लाइफ के अंदर ये एक बहुत अच्छी आला दर्जे की उनकी खिदमत में गिनी जाती है। ये मिशनरी सब्जली की मेहनत थी कि उन्होंने दोनों जुबलियों के लिए फंड इकट्ठे करवाए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बैठे थे कांटे में हसनाबाद के अंदर, लेडी अली शाह माता सलामत भी हाजिर थी। अभी इमाम जब बैठे तो पांव नीचे रख के कुर्सी पर बैठते ना, इस तरह से बैठे, सोना डालते गए डालते गए डालते गए, कांटा हिलता ही नहीं था। सब दली मिशनरी का रंग उड़ता गया क्योंकि सोना लगभग खत्म हो रहा था, और सोना खत्म हो जाए और साफ वजन ना हो ये तो एक बहुत खराब बात है। असल में 21 जनवरी डेट रखी गई थी, एक बहुत बड़ी अजीम पार्टी का बंदोबस्त किया गया था ब्रेबोर्न स्टेडियम के अंदर, रेडियो क्लब कहते हैं उसको। सबको कार्ड वगैरह इशू हो चुके थे। 21 जनवरी 1936 मौला की जुबली थी, तुला विधि थी सुबह के वक्त और रात को ग्रांड पार्टी थी। 17 जनवरी को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी कौम के लीडरों को बंगले वालकेश्वर पे बुलाया। मैं आपको ये पुरानी हिस्ट्री कह रहा हूं दीनदारों, आपको किताबों में नहीं मिलेगी। और अच्छा हुआ कि आज मैंने ये टॉपिक निकाला तो कम से कम रिकॉर्डिंग तो हुई कि जवानों को, बच्चों को भविष्य में, फ्यूचर में काम आएगी ये हिस्ट्री है अपनी। बंगले पे बुलाया, तुमको मेरी जुबली बनानी है? हाँ खुदावंद, इसके लिए तो हमने आज 2 वर्षों से मेहनत शुरू कर रखी है। तो मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम जुबली तुला दीदी परसों यानी 19 तारीख को बना डालो। हमारे प्रेसिडेंट थे गुलाम अली मर्चेंट, कहते खुदावंद 2 दिन के अंदर सारा इंतजाम नहीं हो सकता। मौला फरमाया तुम्हारी खुशी, मैं तुमको कहता हूं कि मेरी तुला दीदी 21 को नहीं, 2 दिन एडवांस करो, 19 को बनाओ। लेकिन बोला ये तो मुमकिन नहीं हो सकता ना, से तो जुबली नहीं होगी। एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोला ने फरमाया तुम सोचो, खुदा ने इसमें सोचने की क्या बात है, तेरा हुक्म तो आम, लेकिन उसका पार्टी का क्या करेंगे, ठीक है वो बाद में सोच लेना। अरे इमाम को दुनिया के अंदर सब कुछ पता है। 19 तारीख को मौला की जुबली हुई, सुबह के वक्त तुला विधि हो गई, साहब को तोला गया।
पगड़ी बांधी थी उसने, राजे रजवाड़ों की तरह सिल्क की पगड़ी थी। बैठे थे साहब, सोना डाला जा रहा था, सलवाते पड़ी जा रही हैं, लोग बहुत इंटरेस्ट दिलचस्पी से देख रहे हैं। मौला की पगड़ी का ऊपर का ये छेड़ा जो था सिरा, वो गिर पड़ा। उसको मौला ने फिर ऐसा उड़ेस दिया, वो फिर गिर पड़ा। दूसरी दफा अच्छी तरह से उड़ेस दिया। कुछ बोहरे उधर खड़े थे, वो कहते हैं कि इमाम अगर सच्चा है तो इमाम के सर की पगड़ी अगर उतर जाए तो बादशाह के लिए अच्छा नहीं होता। रात को किंग जॉर्ज गुजर गया। उसी रात को किंग जॉर्ज पंजुम वफात पा गए। ब्रिटिश राज था उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर। देखो, इमाम ने कहा था दो दिन पहले कि जुबली कर लो, नहीं तो नहीं होगी। उसको मालूम था क्या होने वाला है। पार्टी कैंसिल कर दी गई, रेडियो मारिफत रेडियो में अनाउंस कर दिया गया, जुबली हमारी हो गई, तुला दीदी हो गई। तो मैं आपको बात करता था, पांव नीचे कट के जिस कुर्सी पर बैठते ना, इस तरह से आप बैठे थे। सोना पूरा हो गया। एक लादी बाकी है छोटी सी। सब्दली मिशनरी आया सामने, हाथ जोड़ के कहता है, मौला अपने पांव ऊपर कर, यहां बैठे ना, इस तरह बैठ। मौला ने जैसे ही पांव ऊंचे किए, कांटा बराबर हो गया। नहीं तो उस वक्त जब सोना घटने लगा तो औरतों ने अपने जेवरों का ढेर लगा दिया था, इधर से उधर से बंगड़ियां चेन कांटे जो कुछ भी उनके बदन के ऊपर से उधर ढेर लग गया कि मौला को हमें पूरा करना है वजन के हिसाब से सोने में। इमाम जमान ने दुनिया के अंदर अपने मुरीदों की इस खुशी को कबूल किया। जुबलियां हजर इमाम ने नहीं बनाई, मुरीदों ने बनाई। ये इमामों की तजवीज नहीं थी, ये तो मुरीदों ने जाके अपने मौला को कहा, हमें ये खुशी है कि हम तेरी इमामत के छतर छाया के नीचे हमने 50 बरस पूरे किए हैं, हमको ये काम करना है, हमारे इमाम ने मंजूर किया। और दो दफा इंडिया और अफ्रीका के अंदर ये बात बनी। वो पैसा हिंदुस्तान के अंदर लोगों को एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप के तौर पे दिया गया। गोल्ड ग्रांट कमेटी बनाई गई और उसमें से वो लड़के के जिनको टेक्निकल एजुकेशन में जाना है उनमें से उनको स्कॉलरशिप दी गई। अफ्रीका के अंदर इमाम ने एक नया काम किया। गोल्डन जुबली के जो 5 लाख शिल्मी इकट्ठे हुए, इमाम फरमाया कि देखो तुम एक इंश्योरेंस कंपनी बनाओ। तो जुबली इंश्योरेंस कंपनी 1937 की गोल्डन जुबली की निशानी है। ये जुबली इंश्योरेंस कंपनी मुंबासा के अंदर रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट हुई। इनकी ब्रांचेस फिर बाद में बॉम्बे और कराची के अंदर खुली हुई। पाकिस्तान के अंदर जो जुबली इंश्योरेंस कंपनी है वो इसी कंपनी की छोटी बच्ची है। 5 लाख शिलिंग की जब ये इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट हुई तो उस वक्त 5 शिलिंग का एक शेयर निकाला गया इंश्योरेंस कंपनी का। लेकिन आज उस शेयर की कीमत 80 शिलिंग है, वो भी मिलते नहीं। इस तरह से हमारी कौम को ये दो जुबलियों ने बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया। ये एक फंड रेजिंग टेक्निक है अपनी जमात का। मैं आपको रिपीटेडली कह रहा हूं कि जुबलियां जो हैं वो इमाम की तजवीज नहीं, जमातों ने मुरीदों ने अपने मौला के सामने रखी। समय गुजरा, दूसरी लड़ाई शुरू हुई 1939 की। 1 सितंबर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। इमाम जो है वो एक गदरिया की तरह, गदरिया कहते हैं इंग्लिश में शेपर्ड को, जो भेड़ बकरियों का रखवाला होता है, किस तरफ
अपने इस भेड़ बकरियों के ग्रुप को, टोले को लेके जाए कि जहां उसको खतरा नहीं, किस तरफ पानी मिलेगा, कितनी दूर मिलेगा, उस गडरिये को सब कुछ पता है। ये हमारा रखवाला है, हमारा रहनुमा है, हमारा लीडर है, हमारा माँ बाप है, हमारा सब कुछ है, दुनिया में भी दीन में भी। इस्माइली कौम एक यूनिक कौम है। इस्माइली कौम को जो लाभ है अपने इमाम से, इमाम को अपनी कौम में से इतना लाभ नहीं। कभी मानो हम कभी हाजर इमाम को ना माने तो क्या वो इमाम मिट जाएगा? वो तो इमाम है ही, उसकी तो इमामत जारी है और हमेशा जारी रहेगी। हम खुशनसीब हैं कि उसने रहम करके हमको अपनी मुरीदी के अंदर कबूल किया है। लड़ाई शुरू हुई, जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, इमाम ने स्विट्जरलैंड के अंदर बैठ के तालीके भेजने शुरू किए, हिंदुस्तान के अंदर और अफ्रीका के अंदर, क्योंकि उस वक्त ये दो सेंटर मेजर जमातों के थे कि जहां इस्माइली लोग ज्यादा व्यापार और दूसरी एजुकेशनल साइड में ज्यादा थे। लाखों इस्माइली दूसरी और मुल्कों के अंदर बहुत हैं, रशिया में हैं, चाइना में हैं, सीरिया के अंदर हैं, ईरान के अंदर हैं, काबुल के अंदर हैं, लेकिन ये दो जो मेजर ठिकाने थे, इन दोनों को मैं एक ही समझता हूँ। एक फैमिली में से दो भाई, एक भाई इंडिया में, एक अफ्रीका में, यूं समझ लो। उसकी वजह है, और वजह यह है दिनदारों कि हम जम्पू द्वीप के, हिंदुस्तान के हम जीव हैं। जम्पू द्वीप से मतलब कश्मीर, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, उसके अंदर सिलोन भी आ गया और बर्मा भी आ गया। इस सारे इलाके को पुराने ज्योग्राफी के अंदर, हजार बरस पुराने ज्योग्राफी के अंदर, इस इलाके को जम्पू द्वीप कहा। और जो ईरान, इराक, जॉर्डन, आज इजराइल, और ये जो इलाका जिसके अंदर तुर्की भी आ जाता है, इस इलाके को सेंटर द्वीप कहा गया। सेंटर द्वीप में शाह बैठा। ये सेंटर द्वीप ईरान, इराक और जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ये जो मिडल ईस्ट का इलाका है, इसको सेंटर द्वीप कहते हैं। सात द्वीप पुरानी ज्योग्राफी के हिसाब से थे। तो जम्पू द्वीप के अंदर पीर आए। सबसे पहले पीर नूरुद्दीन सतगुर नूर आए, इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के जमाने में। उन्होंने आके हिंदुस्तान के अंदर दावत का काम शुरू कर दिया। हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। दुनिया के अंदर तीन सिविलाइजेशंस आज इस वक्त जो मौजूद हैं, उनमें तीन सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। एक इंडिया, दूसरा मेडिटेरेनियन इलाका जिसके अंदर ग्रीस और इजिप्ट भी आ जाता है, और तीसरा चाइना। ये तीन इलाकों की सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, और इन तीनों में सबसे ज्यादा पुरानी और सबसे ज्यादा रिच इंडिया की कल्चरल साइड है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, और हिंदुस्तान की इस हिस्ट्री के अंदर रूहानियत भी बहुत है। स्पिरिचुअलिज्म जितनी इंडिया ने पैदा की, इतनी ये मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन ने और चाइना की सिविलाइजेशन ने पैदा नहीं की। चाइना की सिविलाइजेशन 5 से 6 हजार बरस पुरानी है, और मेडिटेरेनियन की जो सिविलाइजेशन है, जिसको ग्रीक सिविलाइजेशन, और ये इजिप्टोलॉजी वाले जानते हैं कि इजिप्ट के अंदर सिविलाइजेशन थी, तो उस जमाने के अंदर ग्रीस इनके साथ ही था, तो ये भी तकरीबन 4 से 5 हजार बरस पुरानी है। लेकिन हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशन है, उसका अंदाजा लाखों बरसों में जाता है। मैं आपको इसके ऊपर लेक्चर देने के लिए, हिस्टोरिकल साइड और एविडेंस देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मुझे तो आपको जिस किस्म का पैगाम देना है कि आज दुनिया के अंदर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2.5 करोड़ इस्माइली हैं। इन 2.5 करोड़ इस्माइलियों के अंदर
हिंदुस्तान के, असल हिंदुस्तान के, जिनको हमारे जिनानों में जम्पूद्वीप कहा गया, ये जम्पूद्वीप के इस्माइली कितने? बहुत ज्यादा होंगे तो 5 से 7 लाख जितने हैं। बस आप लोग जो बैठे हो यहां अमेरिका के अंदर, आप लोग जम्पूद्वीप के जीव हो। ये बाजू के देश के अंदर, कनाडा के अंदर जो बैठे हैं वो भी जम्पूद्वीप वाले हैं। यूरोप के अंदर जो बैठे हैं वो भी जम्पूद्वीप वाले हैं। अफ्रीका के अंदर बैठे हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश के अंदर हैं, ये सब जम्पूद्वीप के जीव हैं। ये जम्पूद्वीप के जो जीव हैं 5 से 7 लाख, इनके ऊपर इतनी रहमतें। हमारे दूसरे इस्माइली भाई हैं, वो भी इसी के मुरीद हैं। उनका मौला हमारा मौला एक ही है, लेकिन उनके पास वो बख्शिश नहीं है जो हमारे पास है। उनके पास ऐसे खूबसूरत जमातखाने नहीं। अरे उनके जमातखानों के अंदर नीचे चटाइयां नहीं है, मिट्टी के ऊपर बैठते हैं, धूल पे बैठते हैं। उनके जमातखानों के अंदर बत्तियां नहीं है। कोई कोई जमातखाने हैं कि उनके पास पेट्रोमैक्स है तो जला लेते हैं बेचारे, नहीं तो यूं ही अंधेरे के अंदर जल्दी से दुआ पढ़ के घर चले जाते हैं। महीने में एक दिन चांद रात को वो लोग बेचारे नियाज पीते हैं। बरस में कभी 2 बरस में एक तालिका उनको कभी मिलता है तो तालिके का नाम अनाउंसमेंट सुन के रो पड़ते हैं खुशी से। और हमारे यहाँ हमको वीकली तालिके मिल जाते हैं। हमारे पास ये मंडलियां, ये टोलियां, ये मजलिसें, ये मजलिसें। उन बिचारों ने कभी इन मजलिसों के नाम भी नहीं सुने। तो क्या हमारा मजहब जुदा है, उनका मजहब जुदा है? नहीं। हमारा इमाम जुदा है, उनका इमाम जुदा है? नहीं। क्या और हमारा इमाम हमारे ऊपर ज्यादा फेवर करता है, उनके साथ उनका मोहब्बत नहीं? नहीं, ये भी नहीं। तो फिर क्या बात है? हमारे ऊपर इतनी रहमत है। हमारे तमाम दुनिया के जितने दूसरे भाई हैं दीनदारों, 99.99 आप ऐसा समझ लो कि 10,000 में से शायद एक आदमी इकोनॉमिकली अच्छी हालत में होगा, बाकी 9,999 बेचारे गरीब हैं। कपड़े जब तक फट नहीं जाते, दूसरे कपड़े पहनने के लिए नहीं है कि ये पहन के इसको धो सके, 2 जोड़ियां नहीं। उन बिचारों के पास बिस्तरे नहीं, जमीन के ऊपर सो जाते हैं और अपने हाथ को ऐसा करके इसको तकिया बना लेते हैं। उनकी हालतें जब मैंने देखी थी, वल्ला रोता था। आप लोगों को क्या पता, ये ड्यूक में घूमते हो, कैडिलैक में घूमते हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्माइलियों के पास इधर शिकागो के अंदर मर्सिडीज बेंज भी हैं और उनके पास रोल्स रॉयस भी हैं। आपकी रोल्स रॉयस गाड़ी के अंदर मैं भी बैठा हूं। उन बेचारों के पास गधा भी नहीं है जो वो घास खा के उनका काम कर सके। फिर ये डिफरेंस काहे को? ये डिफरेंस हमारी वजह से नहीं। ऐसा नहीं समझना कि हम बहुत ऊंचे हैं, हम बहुत उनसे ज्यादा आबिद हैं। अरे वो रोज दीदार करते हैं, हमारा दुआ में भी ध्यान नहीं लगता। बैतुल ख्याल की तो बात छोड़ दो, उनके पास बैतुल ख्याल नहीं, 5 बार साल की मजलिस नहीं, लाइफ डेडिकेशन की मजलिस नहीं, 1/4 की मजलिस नहीं, उनके पास ये छांटों की बख्शिश नहीं, उनके पास ये नांदियां और ये मेहमानियां देने के लिए कुछ नहीं। मैं पहनता हूं कि कहता हूं आपको, पहनने के कपड़े नहीं हैं, मगर उनकी आत्मा, उनकी रूहानी ताकत वल्ला बिल्ला बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। वो बहुत पाक है हमारे से, बहुत अच्छे हैं। बेहिसाब हमारे इस्माइली भाई बहन हैं जो अपने आप को इस्माइली नहीं कहते, छुपे हुए हैं, इमाम का रोज दीदार करते हैं। हम लोग आसवान गए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की दफन क्रिया के लिए, पहली दफा नहीं, 59 के अंदर फरवरी के अंदर जब मकबरा बन गया, उस वक्त की बात करता हूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं दोनों दफा पहुंचा था,
कैरो से हम ट्रेन में बैठे आसवान जाने के लिए। लक्सर से हमको नाश्ता उन्होंने सर्व करना शुरू किया। डाइनिंग कार के अंदर बैठे थे सुप्रीम काउंसिल तांजानिया का प्रेसिडेंट पीवी राजानी, काउंट पोपट राजानी, वो और मैं और तीन चार और आदमी हम लोग बैठे थे। जैसे ही दरवाजा खुला तो कुछ पांच से हमारे सीरियन इस्माइली एंटर हुए। आगे आगे मुखी अब्दुल मुलहिम था, तो वो देश के भाग के आया। मैंने बाजू में जगह दी, हम बैठे। मैंने कहा ये हमारे प्रेसिडेंट हैं तांजानिया काउंसिल के, तांगानिका की काउंसिल के। बैठे हम बातें किए। हमारे प्रेसिडेंट ने, पोपट राजानी ने कभी किसी सीरियन इस्माइली की कभी पहले मुलाकात न की थी। मुझे कहता इसको पूछो आप लोग दुआ पढ़ते हो, मुझे तो पता था। मैंने उसको पूछा हमारा प्रेसिडेंट पूछता है दुआ पढ़ते हो, कहता क्यों नहीं हम इस्माइली हैं रोज दुआ पढ़ते हैं, जमात खाने हैं के हैं, जमात जाती हैं रोज जाती हैं, सुबह जाते हो, हाँ सुबह भी जाते हैं आप, इबादत करते हो। कहता है हमारे पास बैतुल ख्याल के बोल नहीं है लेकिन हम इबादत करते हैं। तो कहते आप में से ऐसे कितने आदमी हैं जिन्होंने हज़रत इमाम का ज़ाहरी दीदार किया है। तो बेचारा कहता है ऐसा उंगलियों से इशारा किया, 10-20 लाखों में से 10-20। तो उसको बहुत अजायबी लगी। फिर पूछा कि भला तुम्हारे में से मौला को जो नहीं देखते ऐसा ही, तो उनको फिर कैसे पता लगता है। तो हंस के कहता है उसको बोलो हम उसका रोज दीदार करते हैं, हर रोज दीदार करते हैं, हम दुआ के अंदर उसको देखते हैं, हमारी कम्युनिकेशन इस तरह से होती है। जिस तरह तुमको ताली के आते हैं और खत लिखते हो, हमें जरूरत नहीं, हम तो उसको इधर से टेलीग्राम करते हैं और उसका जवाब मिल जाता है। ऐसे ही इस्माइली दुनिया भर में इतने गरीब के बाद छोड़ दो, पाँव में बूट नहीं है, फिर दीनदारों हमारे ऊपर ये रहमतें। हर साल हमारे पास आता है, कभी शिकागो में नहीं आया तो दूसरी जगहों पे पाकिस्तान हर साल जाता है, दो दो चार चार बरस के बाद हिंदुस्तान जाता है। इमाम सुल्तान होता तो हर साल हिंदुस्तान आते थे। नैरोबी की बहुत खुशनसीब जमात है कि बरस डेढ़ बरस में एक दफा हज़रत इमाम नैरोबी होते हैं। अरे दीनदारों आपके भी इस मुल्क के अंदर बरस में दो चार दफा आता है, आपको पता नहीं लगता लेकिन आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो हिंदुस्तान के, असल हिंदुस्तान के जम्पू द्वीप के जो हम सब मिल के इस्माइली हैं, हमारे ऊपर इतनी बड़ी रहमतें पीरों की वजह से, और पीरों ने भला हमारे ऊपर ये रहमत की उसका वजह उसकी क्या। ये सवाल मुझको आज से 40 बरस पहले दिमाग में आया कि ठीक है हज़रत इमाम पीरों की वजह से हमारे हाथ में आया और हमारे ऊपर रहमतें और बख्शिशें की, लेकिन पीरों ने हमारे ऊपर इतनी रहमत भला क्यों की। एक बेटा मां का बेअक्ल होता है, निखट्टू है, कमाता कुछ नहीं, दूसरे भाई सब अच्छे हैं मगर ये आउटलाइन हो गया, बीमार बीमार रहता है, लूला लंगड़ा है, अपाहज है, कमानी के लायक नहीं। तो माँ इसका ख्याल ज्यादा रखती है। रूहानी हिसाब से जम्पू द्वीप के इस्माइली अपाहज हैं, मोहताज हैं, लूले लंगड़े हैं, सच था लूले लंगड़े, रूहानी हिसाब से लूले लंगड़े, कई अंधे और काने, कई बहरे और गूंगे। हमारी ये हालत देख के रूहानी मां को रहम आ गया। जब मैंने गिनानों के अंदर इसका जवाब ढूंढना शुरू किया, इधर टीचर्स भी बैठे होंगे, मैं जो आपको अभी एक चीज बोल रहा हूं बहुत समझना, नहीं समझ आवे मुझे पूछना। मौला ने जब रूहानियां बनाई, उन रूहानियों के अंदर, मैं बहुत पुरानी बात, चार कलप और
तीन करण और तीन करण से पहले 8 लाख करण हुए, मैं उस जमाने की बात कर नहीं सकता। यहाँ कलयुग 4,32,000 बरस का है, इसके पहले द्वापर युग था 8,64,000 बरस का, इसके पहले त्रेता युग था कि जो 12,96,000 बरस लंबा था, उसके पहले कृता युग था कि जो 17,28,000 बरस लंबा था। ये सारा टोटल करो 43,20,000 बरस होते हैं और 4,25,000 बरस कलयुग के बाकी हैं। ये 43 लाख 4.32 मिलियन बरस जो हैं, इसके पहले जो 4 कल्प थे, जायला फाइला अर्जा खलीफा, 4 कल्प, चौथा कल्प खत्म होने वाला था, 4 घड़ियां बाकी रह गईं। एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है, तो 22.5 मिनट के 90 मिनट हुए 4 घड़ियों के, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा हुआ, 1.5 घंटा बाकी था, कल्प खत्म होने में 1.5 घंटा बाकी था, और ये 1.5 घंटे के बाद दुनिया खत्म होने वाली थी। पीरों ने आजिजी की कि तेरे कुछ बंदे बाकी रह गए हैं जिनको अभी चांस नहीं मिला खेला। अच्छा, तो उस 1.5 घंटे को 4 घड़ियों को स्ट्रेच करके लंबा करके 43,20,000 बरस से 4 युग बना दिए, 4 घड़ियों के 4 युग बनाए। उसका मतलब क्या समझे कि 4 युग इक्वल टू 4 घड़ियां हैं, और एक युग की आर बला 17,28,000 बरस है। अगर 4 घड़ियां 1.5 घंटे की हैं, तो आप ख्याल करो कि 17,28,000 बरस कितने बरस होंगे। कंप्यूटर शायद इसमें चाहिए, पुरानी बात को छोड़ दो, मैं बहुत डीप चले जाऊंगा तो मैं टाइम सर निकल नहीं सकूंगा। चौथे 4 युग की बात करो, फिर कहते हैं कि पहला कृता युग में 15 करोड़ जीव थे, उसमें से 5 करोड़ी आवागमन में गए। आवागमन यानी तुम थोड़े कमजोर हो, रिपीट करो। 4-5 करोड़ी आवागमन वाले, 5 करोड़ी पास हो गए, और 5 करोड़ी घोर अंधारी। घोर अंधारी का मतलब छोड़, निकल जाओ स्कूल में से, क्लास में से निकल दिया, तुम किसी के लायक नहीं। तो वो बेचारे भटकने लगे, रखड़ने लगे। 5 न भूलिया 7 में आया, ये जो 5 वाले जो रिपीट करने वाले आवागमन वाले थे, इनको रिपीट का चांस दिया त्रेता युग के अंदर, तो 5 करोड़ ये और 16 करोड़ 90 जीव खुदा ने जो बनाए, तो 16 और 5 21 करोड़ हुए। 21 करोड़ को वापस जब ये एग्जाम लिया गया तो 7 करोड़ पास हो गए, 7 करोड़ रिपीट करने की बात आई, 7 करोड़ घोर अंधारी, स्कूल में से निकल जाओ, निकल दिया, वो भी रखड़ने लगे। 12 करोड़ हो गए घोर अंधारी, 7 न भूलिया 9 में आया, 9 के अंदर भी ऐसी ही बात बनी, 7 ये 20 करोड़ नए जीव, 27 करोड़ हुए, 9 पास हो गए, 9 फेल हो गए, और 9 को रिपीट करने की बात हुई, लेकिन 9 ना भूलिया, 12 माँ नहीं आया, अनंत माँ ली दूं अवतार, वो लोग अनंत में आया, हम लोग अनंत में हैं, हम लोग जो हैं अनंत करोड़ी में हैं। तो 12 करोड़ का हिसाब तो 7,000 बरस के अंदर, 6,500 बरस के अंदर कलयुग बैठा, गुरपीर सदर दिन तलक 6,500 बरस जो थे वो 12 करोड़ी का हिसाब भी सदर दिन के साथ चला गया। अब वो 5 करोड़ी घोर अंधार पहले, 7 करोड़ी दूसरे, 9 करोड़ी तीसरे, 7 और 5 12 और 9 21 करोड़ घोर अंधारी कौन से पता, जिनको स्कूल में से निकाल दिया, तुम बिल्कुल बेकार हो। मैंने नहीं कहा लूले लंगड़े अपाहज रूहानी हिसाब से, तो ये 21 करोड़ ये लूले लंगड़े,
और इधर 24 करोड़ घोर अंधारी बन गए, तो ये 24 करोड़ और ये 21 करोड़ हुए 45 करोड़। हे जी अनंत न मेरा माहे थी 48 करोड़, ते माहे 45 ना लेखा नहीं पूछा ना ये भी तैये तुम्हें। मेरे को ये पाठ 5 बरस तक हैरान करता रहा। फिर मौला के पास अरज जब की तो उसने कहा सोचो, और जब कहा ना सोचो तो दूसरे दिन मुझको ये पाठ का खुलासा मिला। 5 करोड़, 7 करोड़, 9 करोड़, 21 और 24, 45 करोड़, 4 युग की इन्होंने मार मार खाई है। अपाहज हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, कोई काम के लायक नहीं। दया करके ह्यूमैनिटेरियन हिसाब से जिस तरह दुनिया के लोग इन गरीबों और डिसेबल्ड के ऊपर रहम करते हैं, इन 45 करोड़ के ऊपर पीरों ने रहम किया। अपनी इबादत पीरों ने इन 45 करोड़ को दी। वो 45 करोड़ में आज हम हैं। इबादत करते हैं, ध्यान नहीं लगता। दुआ पढ़ते हैं, ख्याल बाहर है। बंदगियां होती नहीं, दुआएं पढ़ते नहीं, दसवन देते नहीं। हमारे अंदर कितनी खराबियां हैं, कितनी खामियां हैं, फिर भी उसकी बख्शिशें बेहिसाब हैं, क्योंकि पीरों ने अपनी इबादत हमको बख्श दी। बैंक बैलेंस खोल दिया, कमानी कुछ नहीं करते, जुगाड़ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं, बदमाशियां भी करते हैं, लेकिन बैंक में जाते हैं पैसे ले आते हैं। वो बैंक कौन सी? ये जमा खाने वो बैंक है। ये बैंक में जब आते हैं तो हमको चेक मिल जाता है, कैश मिल जाता है, फिर गुनाह करके ये कैश हम खत्म करके फिर हम आते हैं। मगर जो आदमी बैंक में आते ही नहीं तो फिर उनको भीख मांगनी पड़ती है। पीरों ने हमारे ऊपर बख्शिशें नवाजिश की और वो बख्शिशें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जो 3 करोड़ बाकी हैं, 45 का तो लेखा नहीं, 48 करोड़ में कौन से जीव हैं? पुरानी जो हमारी दुआ थी ना घटपाट की, अभी तो घटपाट की दुआ निकल गई। अनंत करोड़ में थी, 48 करोड़ प्रति जीव ने तार से जर खीसर गिनानी ध्यानी जिन हरिधा माए अमी जल वसे, जे सत्य धर्म नियम दसवंत सुकरीत गुरमुखे देतवा। इतनी क्वालिटी उस मोमन के अंदर होंगी, ऐसे लोग के जिनमें ये क्वालिटियां हैं, जो गिनानी हो रहे इलम वाला, ध्यान लगाने वाला, सुबह की इबादत करने वाला ध्यानी, जिसके दिल के अंदर रहम होवे, जेना रिदामा अमी जल वसे, अमी जल का मतलब खुदाई नूर बसता होवे उसके दिल के अंदर, जो सत्य के ऊपर अपने ईमान से मुस्तकीम रहे, जो अपनी ड्यूटी और धर्म को फर्ज को बराबर बजाता होवे, जो दसवन बराबर देता होवे, जिसके नेक आमाल होवे। सुकृत का मतलब नेक आमाल। इतनी क्वालिटी इसके लोग हमारे अंदर 3 करोड़ हैं। वो 3 करोड़ जब जमात खानों के अंदर एक 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 दो दो चार चार पांच पांच सारी दुनिया में 3 करोड़ फैले हुए हैं, और हर जमाने के अंदर ये मुरीद मौला के हैं, मोमन हैं। मैंने आपको एक आवाज में कहा, मोमिनों कभी इधर 500 आदमी बैठे हैं जमात खाने में, किसी माँ की गोद में महीने डेढ़ महीने का बच्चा सोया है, हो सकता है वो बच्चा बहुत आबिद होने वाला है, या आबिद था भी उसकी जो रूह है बहुत ऊंची है। बच्चा तो सोया है मगर जमात खाने में उसकी हाजिरी है, तो सारी 500 आदमियों की दुआ बंदगी शायद उस बच्चे की वजह से कबूल हो रही है। जमात खाने के अंदर कोई ना कोई ऐसा उत्तम जीव होता है। इसके लिए इमाम फरमाया कि हमेशा जमात खाने के अंदर सुबह शाम की हाजिरी दो, जहां तक बन सके, मजबूरी और बात है, मगर जमात खाने की हाजिरी में आने से जो ऊंची किस्म के जो लोग हैं उनकी हाजिरी भी जमात के अंदर होती है, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर मौला की रहमतें और बख्शिशें उतरती हैं। ये बख्शिशें
किसी और जगह नहीं मिलती, तो जम्बूद्वीप के जो जीव हैं उन जीवों के ऊपर इमाम की ये इतनी बड़ी रहमतें हैं। ये तो शुरुआत है। नेक्स्ट 100 ईयर्स में, आने वाले 100 बरस में मोमिनों हमको बहुत काम करना है। नेक्स्ट 100 ईयर्स में हमें बहुत काम करना है। मैं आज कुछ बरसों से बोलता चला आया हूं कि इमाम ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, कनाडा स्टेट के अंदर जो जमातें बनाई, इसके पीछे बहुत इमाम ने एक ऐसा मौका दिया जिस तरह गोल्डन जुबली हुई, फिर 1945 के अंदर डायमंड जुबली के लिए हम लोग तैयार हो गए। देखो दीनदारो, 3.5 लाख रुपया हिंदुस्तान की जमात के पास नहीं था, बड़ी मुश्किल से निकला, बहुत मुश्किल से। 5 लाख शिलिंग अफ्रीका के अंदर भी बड़ी मुश्किल से हुए, लेकिन आप ख्याल करो कि 25 बरस के अंदर हमारी हालत क्या बनी। 25 बरस में 1 करोड़ रुपया हमने जमा कर दिया डायमंड जुबली के लिए। इधर भी 1 करोड़ शिलिंग हो गया। हम तो बात करते थे उसकी सोने की, के जो अच्छी तरह से अंजाम ना दे सके, लेकिन 25 बरस के अंदर नहीं बल्कि इससे भी कम, 10 बरस के अंदर 25 बरस में हमने 2 जुबलियां बनाई, एक डायमंड जुबली, एक प्लेटिनम जुबली। लेकिन 10 बरस के बाद जब डायमंड जुबली आई तो बस बात छोड़ दो, हीरे की बातें हो गई। 37 में मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि दारुस्सलाम आए। उस वक्त दारुस्सलाम के अंदर 8-9 हजार इस्माइली की आबादी थी। 37 में जब इमाम बाप आए तो लाल रंग की एक गाड़ी साहब के लिए बहुत खूबसूरत थी। माँ बाप जब उतरे तो गाड़ी आई, साहब ने पूछा ये गाड़ी किसकी है। गाड़ी एक हिंदू की मांग के लाए थे, अपने इस्माइली के, कोई इस्माइली के पास दारुस्सलाम के अंदर अच्छी गाड़ी नहीं थी कि जिसमें हजर इमाम बैठते। इस्माइल हाशमानी नाम का एक आदमी था, उसकी एक छोटी गाड़ी थी, वो भी लाल रंग की थी मगर अच्छी नहीं थी, बैठने के लायक नहीं थी। तो जब इमाम बाप को कहा गया कि खुदावंद ये हम गाड़ी ऐसा मांग के लाए हैं आपके लिए, मेरे किसी रूहानी बच्चे के पास गाड़ी नहीं, तो कहा खुदावंद वो एक गाड़ी है मगर आपके बैठने के लायक नहीं। क्यों नहीं, मेरे बच्चे की गाड़ी है, मैं उसमें बैठूंगा। इस अच्छी गाड़ी में साहब नहीं बैठे, उसमें बैठे। साहब को हमने उतारा कर दिया। स्मिथ मैकेंजी का मैनेजर का बंगला था दारुस्सलाम के, अभी जहां हमारी आगा खान हॉस्पिटल है, इससे सामने पाकिस्तान एम्बेसडर का मकान है और उसके बाजू के अंदर स्मिथ मैकेंजी का बंगला था समुन्द्र के किनारे पे। इस बंगले को हमने मांग के रंग रोगन करके सजा के मौला के लिए हमने रखा। कोई अच्छी मकान की बात ही किधर थी। चलो माँ बाप इधर ठहरे, लेकिन साहब जब 10-12 रोज ठहर के दुआ आशीष देखने के लिए 6 दिन बैठे, तो माँ बाप फरमाया मेरे रूहानी बच्चों, 37 की बात करता हूं, मेरे रूहानी बच्चों मुझे बहुत दिलगिरी हुई कि मेरे रहने के लिए एक अच्छा मकान भी मेरे किसी बच्चे के पास नहीं। इंशाल्लाह मैं दूसरी दफा आऊंगा नेक्स्ट टाइम, तो तुम्हारे पास अच्छे अच्छे बंगले होंगे, मोटरें होंगे। 37 और 45, 8 बरस के बाद डायमंड जुबली के लिए जब साहब दारुस्सलाम के अंदर आए, तो आप समझ लो कि लगभग 70% फैमिलीज के पास गाड़ियां थी और 50% इस्माइलियों के पास खुद के मकान थे। आलीशान बंगला इमाम जमान के लिए बनाया गया था, जो अभी वो बंगला काउंट कासिम सुंदर जी ने बनाया साहब के लिए, फिर माँ बाप को अर्पण कर दिया। काउंट गुजर गया, उसकी वाइफ काउंटेस माँ भी गुजर गई, अब वो बंगला माँ बाप के नाम पर ट्रांसफर हुआ, उसके अंदर इमाम रहे। 8 बरस के अंदर उसकी दुआ शिष्य ने सारा जिंदगी का पलटा कर दिया। करीबन 35-36 हजार इस्माइली 1971 के अंदर सारी तंजानिया के अंदर थे, उसके अंदर 99% इस्माइली फैमिलीज के पास खुद के मकान।
सिर्फ तंजानिया नहीं, थ्रू आउट अफ्रीका के अंदर इमाम ने उनका सारा चक्कर फिरा दिया। और ये दो जुबलियां जो बनाई गोल्डन और डायमंड जुबली के बाद, इंडिया पाकिस्तान के अंदर कितना हेर फेर हो गया। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन आप गए 50 बरस की हिस्ट्री के साथ सरखामनी करो। दीनदारो, आपके बाप दादा कहां थे और आप किधर हो? मैं आपको कहता हूं ना, आज मैं आपकी ये छोटी जमात कंपैरेटिवली 2,225 की इस्माइली जमात के अंदर, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, अरे रोल्स रॉयस आपके पास हैं, आपके पास मर्सिडीज हैं, आपके पास कैडिलाक हैं, आपके पास ब्यूक हैं, आपके पास क्राइसलर हैं। आज ये हालत है आपकी, ये इमाम की रहमत है। मैं एक तालीके का जिक्र करूं, 1954 में वो तालीके का जिक्र अमेरिका की जमात के साथ है। 1954 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की कैरो के अंदर प्लेटिनम जुबली हुई। सेमीरामीज होटल के अंदर मौला के हुजूर के अंदर अफ्रीका की जमात की तरफ से सिंबॉलिक सेरेमनी की गई, प्लेटिनम जुबली। पाकिस्तान के लोग हमसे ज्यादा खुशनसीब हुए कि उन्होंने वो जुबली उधर बनाई। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सिकंदर मिर्जा की प्रेसिडेंसी के जमाने के अंदर कराची में 20 फरवरी थी, 54 का जिक्र है, जुबली वहां बनाई गई, मगर यहां सिंबॉलिक रही। मार्च की फर्स्ट वीक की कोई तारीख, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक तालिका मुबारक लिख के, उस वक्त हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रेसिडेंट काउंट अब्दुल्ला हाशम गांधी के, जो अभी जिनीवा में रहते हैं, उनके हाथ में दिया। फरमाया, अब्दुल्ला देखो ये तालिका जो है पोस्ट में नहीं भेजना, तुम खुद जाओ कैरो से, अगर फ्लाई करके जाओ तो पहला स्टेशन एंटेबे आता है, कंपाला जमात युगांडा की। बाबा फरमाया के कंपाला में मसाका के अंदर, किसुमू, नैरोबी, मुंबासा, जंजिबार, दार एस सलाम, दोडोमा, मुआंजा, ऐसा साहब ने नाम खुद दिए, इधर तुम खुद जाना और मेरा ये तालिका जमात में पढ़ना, देखो पोस्ट में मत भेजना। पहले सरकार काउंट अब्दुल्ला हाशम गांधी ये सारे इलाके घूम के जमात को तालिका सुना के दार एस सलाम आए। दार एस सलाम तालिका मुबारक पढ़ा, पढ़ने के बाद लोगों ने उनको घेर लिया। मैंने कहा कौन सा जरा तालिका दो तो मैं, मुझे पढ़ना। उसने मुझे तालिका दिया, मैंने बैठ के मुफ्ती के पास से कागज कलम लेके उसकी कॉपी करके खीसे में डाली, तालिका उसको वापस दिया। दो तीन बरस पहले मैंने इस तालिके की 200 कॉपियां बना के अपने यारों दोस्तों को भेजी। तालिका बहुत लंबा है, शुरू में साहब लिखते हैं, मेरे रूहानी बच्चों, दुनिया के अंदर तुम लोग अगर बिजनेस करते हो या बिजनेस नहीं करते, लेकिन अपने खर्च को, इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत संभालो। 1954, लगभग 30 बरस की बात है ये, 28 बरस हुए हैं। 28 बरस से इमाम हमको इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए होशियार कर रहा है। अभी भी कम से कम 20 बरस और निकलेंगे, अभी भी 20 बरस और निकलेंगे, भले आपको 10 बरस की बात कहते हैं। इमाम ने उसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस की बातें लिखी हैं और फरमाया कि बहुत सोच समझ के खर्च करो, पैसे बचाओ। फिर मौला लिखते हैं कि जो आदमी 50% बन सके तो अपनी आमदनी के 50% तुम सेविंग करो। फिर लिखते हैं कभी 50% सेविंग नहीं हो सकती, 25% करो, 25% नहीं हो सकती, 10% करो। 10% सेविंग नहीं कर सकते हो तो कुछ भी करो मगर सेविंग करो, इवन 1%, उसमें 1% की बात नहीं मैं कह रहा हूं कि 10% नहीं होता साहब फरमाया तो जितनी भी बन सके, लेकिन सेविंग करो, हर महीने कुछ ना कुछ बचाते रहो। मौला फरमाया दुनिया के अंदर, वो तालीके में लिखा है, दुनिया के अंदर राज करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। अल्लाह ये फरमान काय को किया, बड़ा भेद है उसमें।
दुनिया में राज करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, पैसा और आर्मी। सब फरमाया कि वो जो पहली चीज है ना पैसा, तुम उसकी फिक्र करो, दूसरी चीज मुझ पे छोड़ दो, मैं तो हक्का बक्का रह गया। मौला फरमाया इंशाल्लाह मेरी दुआ है बहुत जल्द हमारी पुरानी ग्लोरी, हमारी पुरानी जाहो जलाली वापस आएगी। मेरे रूहानी बच्चों, दुनिया के बहुत से लोग मेरे पास आके जो इस्माइली नहीं है, मेरे रूहानी बच्चे नहीं है, मेरे मुरीद नहीं है, मेरी सलाह लेते हैं, मेरा मशवरा एडवाइस लेते हैं और उस पर अमल करते हैं और उनको बहुत फायदे होते हैं। तुम मेरे से मांगते नहीं हो, फिर भी मैं तुमको सलाह देता रहता हूं, मगर फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानते। इसके अंदर वो फिक्र जो मैं बोल गया हूं वो बहुत समझने का है। पैसा बचाओ। आज आपके पास एक डॉलर एक शिलिंग जितना या एक रुपए जितना लगता है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर यही एक डॉलर के 9-10 रुपए मिलते हैं, और तंजानिया के अंदर आओ तो आपको 60 शिलिंग मिलेंगे, 60 एक डॉलर के 60 शिलिंग। इस पैसे को बहुत संभालो। अगर आपके कपड़े की सख्त जरूरत है तो अपने उन भाइयों को याद कर लो कि जिनके कपड़े फट जाते हैं मगर दूसरे धो के पहनने जैसे हैं नहीं। हमारी हालत ये नहीं है, लेकिन हमारे सामने आज से 10-20 वर्ष के पीछे जो हमारे सामने जो फ्यूचर पड़ा है, हमारे ऊपर इमाम को कुछ बातें सौंपनी है हमारे करने के लिए, उन चीजों के लिए पैसा बचाओ और वो पैसा कौम के लिए खर्च करो। वो पैसा कौम के लिए खर्च करने के बहुत से रास्ते हैं। जिस तरह वो हमने जुबलियां बनाई, गोल्डन जुबली की, गोल्डन ग्रांट कमेटी बनी बॉम्बे के अंदर, और इधर जुबली इंश्योरेंस कंपनी बनी अफ्रीका में, डायमंड जुबली के ऊपर ट्रस्ट बना, और उधर भी इमाम ने डायमंड जुबली का जो फंड था इंडिया के अंदर वो मौला ने मकानों के लिए और इंडस्ट्रियल चीजों के लिए दिया। प्लेटिनम जुबली का जो पैसा आया तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमान किया कि ये पैसे से तुम लोगों को छोटे छोटे अमाउंट दो कि वो इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर या बिजनेस में जाएं, या वो एमिग्रेट हो जाए कोई कांगो वगैरह की तरफ। मतलब कि ये तीनों जुबलियों के पैसे जमात को उत्तेजन देने के लिए, जमात की भलाई के लिए थी। आज हज़रत इमाम के इमामत को 25 बरस होते हैं, ये जुलाई में शुरू होके 83 की जुलाई के ऊपर हैं। हमको वापस एक चांस मिला है, जिस तरह हमारे बाप दादाओं को चांस मिला था इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की इमामत में, आज ए जवानों आपको ये चांस मिला है कि हज़रत इमाम की 25 बरस की इमामत की सिल्वर जुबली के लिए आपको काम करना है। खुले दिल से काम करो। क्यों? इस सिल्वर जुबली के फंड से हमें बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी कि जिसका असर हमको फ्यूचर जमात का लाभ मिलेगा। दिल खोल के इसके अंदर फंड के अंदर मदद करो। सिल्वर जुबली फंड वाले बाहर बैठे हैं, मैंने इनको अर्ज की थोड़े दिन पहले, मैंने कहा आप खाली लिख लेते हो भाईजान, आप जो देता है पैसे ले लो, जो पैसे देना चाहे, और वो लेते हैं। अभी बाहर बैठे हैं, हर रोज बैठे होते हैं, या शुक्रवार शुक्रवार को जब भी बैठे, जिसको भी कुछ देना है वो पैसे लेने के लिए तैयार हैं। थोड़ा 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 आदमी देते रहें। और मेरे को पता लगा, मैं अभी नहीं आपको बोल सकता कि अब तक कितना हुआ, लेकिन इंशाल्लाह आपके सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिकागो के आजू बाजू में $500,000 कोई बड़ी चीज नहीं, शायद इससे भी ज्यादा हो जाए। इस चीज को जब इमाम के पास रखोगे ना कि शिकागो जमात ने $500,000 बनाए सिल्वर जुबली के फंड के लिए, तो आपको इसके अंदर से एक कोई बड़ी इनायत मिलेगी कि जो सारी जमात के लाभ के लिए, फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए होगी। हमारे शीशे में से डायरेक्टली शायद कुछ नहीं आवे, लेकिन जमात को कलेक्टिवली बहुत फायदा होगा। और यह जुबली भी
हमने हजर इमाम को अर्ज की कि हमको तेरी जुबली बनानी है, तो साहब हंस के कहते हैं आई डोंट वॉन्ट टू बी वेज लाइक माई ग्रांड फादर, मेरे को वजन नहीं करना। हमको तो वजन की तो बात ही नहीं थी, वो जमाना और था, इमोशन थी। लेकिन आज ये सिल्वर जुबली मौलाना हजर इमाम की और खसूसन अमेरिका की जमातों के अंदर, कनाडा की जमातों के अंदर, बल्कि सारी दुनिया की जमातों के अंदर इसकी चर्चा हो रही है, सारी दुनिया में इसकी चर्चा होएगी, ठीक है। मगर इन जुबली में से, ये सरेज मनीज में से और इनमें से जो फंड हमने इकट्ठे करने हैं, उसका लाभ सारी जमात को फ्यूचर में के जो मिलेगा वो एक अजीम बात होगी। खुले दिल से, अपनी हुब से, और जितने दोगे पैसे उसका हिसाब रखो। मैं आपको कहता हूं एक मिशनरी के तौर पे, आपको बहुत लाभ होगा। हमने पुरानी जुबलियां बना के देख ली, हमारे पास सोने के पैसे नहीं थे, लेकिन बाद में 8 बरस के बाद हीरे के पैसे हो गए, और हीरे के बाद फिर हमारी दुनियावी चढ़ती हो रही है। गए 100 बरस की अपनी हिस्ट्री देखो तो दीनदारों, हमारी सारी जिंदगी के अंदर गैर मामूली पलटा गया है, और हमको और अजीम काम करने हैं, और उन अजीम काम करने के लिए हमें तैयार रहना है। उसके लिए ये एक छोटा सा, छोटी सी बिगिनिंग है जो आज हम कर रहे हैं। सिल्वर जुबली की कमेटी वालों को मेरी मुबारकबाद है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया। लेकिन सारी जमात को मेरी मुबारकबाद है कि मौलाना हजर इमाम की इस 25 बरस की सिल्वर जुबली, इमामत की सिल्वर जुबली के मौका पे हम हयात हैं। हम खुशनसीब हैं कि हजर इमाम की इमामत में हमने 25 बरस निकाले। हम खुशनसीब हैं और शुक्रगुजार हैं हजर इमाम के, कि हजर इमाम की दौरवनी के अंदर हम यहाँ आए। कहाँ पाकिस्तान, अफ्रीका, कहाँ कनाडा और अमेरिका। अरे इमाम क्या क्या खेल बना रहा है दीनदारों, और किस तरह से उसने बनाए हैं। आप उसके ऊपर पुरानी हिस्ट्री बड़े बुजुर्गों वगैरह से सुनो, बहुत सी चीजें लिखी हुई नहीं है, लेकिन इमाम ने हमको प्लान करके बना दिया। मैं आपके 5 मिनट और लूं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने लकड़ी लेके, जिस तरह जबरदस्ती से बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं, ऐसा हिंदुस्तान के काठियावाड़ और कच्छ के इस्माइलियों को कहा, तुम देशाटन करो, काठियावाड़ कच्छ में से निकलो। बहुत से लोग निजाम हैदराबाद में चले गए, बहुत से यूपी सीपी बिरार की साइड में चले गए, कुछ लोग पंजाब आगरा की साइड में आए, फिर भी बहुत से लोग रहे। सबसे पहले हसन अली शाह माँ बाप के जमाने के अंदर ये फरमान हुआ कि तुम अफ्रीका जाओ, और उस वक्त के जो लोग थे वाहन में गांव में बैठ के आते थे, महीना डेढ़ महीना लगता था इंडिया से अफ्रीका आने के लिए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1905 के बाद हिंदुस्तान में काठियावाड़ और कच्छ की जमातों में से लोगों को कहा तुम अफ्रीका जाओ, अफ्रीका जाओ, अफ्रीका जाओ। और सब लोग जब ये अफ्रीका आते थे तो जंजीबार की जमात बहुत बड़ी हो गई। 1905 में मौला ने जंजीबार के अंदर कहा कि तुम लोग सब इधर इकट्ठे मत हो, मेन लैंड पे जाओ। 25 के अंदर साहब ने वापस और जोर से कहा कि तुम मेन लैंड जाओ। लोग इंडिया पाकिस्तान से जंजीबार आने लगे, मुंबासा आने लगे, दारुसलाम आने लगे, फैलते गए, फैलते गए, फैलते गए, यहां तक कि 75,000 इस्माइली अफ्रीका जमात के हो गए। देखो इमाम ने उधर से निकाला, अफ्रीका में डाला। अफ्रीका के अंदर जब इमाम आए 37 में, तो जमातों को हुक्म किया मर्दों को कि तुम वेस्टर्न ड्रेस पहनो। लंबा डगला पाजामा और चंपल पहनते थे हमारे बाप दादे वहां, उनको कहा तुम वेस्टर्न ड्रेस, कोट पतलून पहनो, टाई वगैरह पहना करो। दीनदारों इस पर से मुझे बात याद आ गई, आप लोग उधर इंडिया पाकिस्तान से या अफ्रीका से इधर आए हो, ये अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्री, सबसे एडवांस कंट्री, टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर नंबर 1 कंट्री के अंदर आप भी बैठे हो, और आप चले आते हो, आपकी कमीजें अंदर उड़ेसी हुई हैं और जमात खाने में चले आते हो। ये थोड़ा कुछ कराची है कि टंडो मोहम्मद खान है, वेल ड्रेस होके आओ, कि बाहर के लोग भी आपको जब ही देखें तो उनको को पता लगे कि कोई जेंटलमैन, कोई आला किस्म के लोग आते हैं, ये रफियंस की तरह हम चले आते हैं। नहीं,
पुरानी बात है पीछे की, इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका की भूल जाओ, कोट पहन के आया करो, अच्छे कपड़े पहन के आया करो। और मेरी बेटियां बहनें जो हैं उनको भी मैं कहता हूं, जो जवान हैं वो वेस्टर्न ड्रेस पहनो, इधर ये पंजाबी ड्रेस और ये साड़ी वगैरह जहां तक बन सके कम करो, इस मुल्क की हालत के साथ रहो, डू इन रोम एज ए रोमन डज। हमको इमाम ने अफ्रीका के अंदर 37 में हुक्म किया, वेस्टर्न ड्रेस पहनो, टाई पहना करो, कोट पहना करो, पॉलिश्ड रहो। फिर मौला चले गए, वापस 45 में आए, हमारे खाने पीने के लिए फरमान किए और तालीके भेजे कि तुम ये भजिए समोसे कबाब, ये तली हुई चीजें, ये बिरयानी मुरगन कभी कभी खाया करो, खराब नहीं, लेकिन वेस्टर्न स्टाइल की तुम फूड खाओ जिससे तुम्हारी तंदुरुस्ती बढ़ जाए। हर रोज तली हुई चीजें खाने से एसिडिटी होती है, रूमेटिज्म होता है, और भी लंबागो और रूमेटिक फैमिली की जितनी बीमारियां हैं वो लगती हैं, हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, हार्ट डिजीज होते हैं। वेस्टर्न स्टाइल की इमाम ने तालीके के अंदर हमको बताया है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, हमारा खाना पीना बदला दिया उसने। नैरोबी वालों को, केनिया वालों को कहा छुरी कांटे से खाओ और अपने बच्चों को सिखाओ। मौला कुछ कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। फिर मौला दूसरी दफा जब वापस आए तो फरमान किया 46-48 के अंदर के मेरे स्कूलों में से तुम गुजराती को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन निकाल दो और राइट फ्रॉम बिगिनिंग इंग्लिश शुरू करो और बच्चों को इंग्लिश सिखाओ। फिर तालीके भेजे उसने फर्स्ट एविया कॉन्फ्रेंस के बाद, 51 के बाद, कि मेरी रूहानी बच्चियां जो हैं वो कॉलोनियल ढब का वेस्टर्न स्टाइल का शॉर्ट फ्रॉक पहनो, ये ड्रेस पहनो। मर्दों का ड्रेस चेंज किया, खाना पीना चेंज किया, छुरी काटे से खाना सिखाया, इंग्लिश जबान के ऊपर लेके आया, और फिर आखिर में कहा कि जो औरतें हैं वो भी वेस्टर्न स्टाइल के तुम कपड़े पहनो और अपने मर्दों की दुकानों वगैरह के अंदर काम काज करो ताकि तुम अपनी इकोनॉमिक वेलबींग को बिल्डअप कर सको। अफ्रीका की जमातों को 37 के बाद इमाम ने तैयार करना शुरू कर दिया कि इसको उठा के कैनेडा के अंदर सेट करना है। कैनेडा की जमात गए 10 बरस के अंदर ऐसी जम गई है कि 50 बरस जैसे लगते हैं। 50 बरस में अफ्रीका में जमात न जम सकी, कैनेडा के अंदर ऐसे वेल सेटल्ड हो गए हैं, खास करके अफ्रीका के इस्माइली। इमाम ने हमको पहले से इन बातों के लिए तैयार किया था और एक तालीके के अंदर लिखा भी था, उसने 54 का तालीका है, कि फरमान किया कि तुम लोग ईस्टर्न कोस्ट से तुम कोंगो जाओ, एटलांटिक कोस्ट तक जाओ, मैं तुमको फ्यूचर में कहूंगा कि क्रॉस दी एटलांटिक। देखो एटलांटिक क्रॉस हो गया, हिंदुस्तान से निकाल के अफ्रीका लाया, अफ्रीका से निकाल के अमेरिका और कैनेडा के अंदर ले आया। अभी भी 2 स्टेप बाकी हैं, मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 स्टेप बाकी हैं, उसके लिए तैयार रहो। पहली तैयारी आपकी ये है, ऐसी आप में बहुत सख्त यूनिटी होनी चाहिए। किसी के ऊपर गुस्से हो गए, पुलिस को रिपोर्ट कर रहे फलाना फलाना ऐसा ऐसा है, वो नहीं होना चाहिए। झगड़ा मत करो, टॉलरेंस रखो। कोई बेचारा गुस्से में आ गया है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ी देर वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसको कहो भाई काय को झगड़ते हो। यूनिटी रखो, सख्त यूनिटी रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात देख के मैं बहुत खुश हुआ। मिशनरी हूँ, सारी दुनिया में घूमता रहता हूँ, आपकी शिकागो की जमात मौला की रहमत से बहुत अच्छी जमात है, आपको मुबारक है, और मेरी दुआएं कि आप इससे भी 1000 गुना ज्यादा अच्छे बनो। आपके अंदर बहुत अच्छी यूनिटी है, फिर भी कुछ झगड़े हैं। अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा बनाओ, मियाँ बीवी के झगड़े ठीक नहीं। यूरोपियनों की तरफ, ये सफेद लोगों की तरफ मत देखो, डिवोर्स के केसेस वगैरह बात बात के ऊपर झगड़े होते हैं, नहीं, नमी कमी कर लो, सहन कर लो। हमारी उंगली को कुछ लग जावे तो क्या हम उंगली काट डालते हैं? कभी कभी हमारी जीभ हमारे दांत के नीचे ऐसा रगड़ी जाती है, जख्मी हो जाती है, तो क्या हम अपने दांत तोड़ डालते हैं? इसी तरह से हमारी फैमिली के अंदर भाई बहन माँ बाप
हमारे बच्चे, हमारी औरत या हमारा शोहर, ये सब हम एक हैं। उसके अंदर छोटी बड़ी बातें आती हैं, हिकमत के साथ, प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ उन चीज़ों का निवेड़ा करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मौला को खूब याद करो, इबादत करो और पैसे बचाओ, खूब पैसे बचाओ। ये पैसे अच्छे रास्ते पे खर्च करो। अगर कुछ भाई बहन, कुछ ऐसे मेरे बच्चों की तरह के लोग जो शराब वगैरह पीते हैं, है तो कुछ नहीं लेकिन शायद कभी, मैं तो खाली ऐसा कहता हूँ, सिगरेट पीते हैं या कोई और इस किस्म की बदफेलियाँ हैं, तो खुदा के वास्ते उनको छोड़ दो। और ऐसा कोई भाई हमको नजर आए तो आप दो चार जने मिलके उसको डूबते हुए को हाथ दे के बाहर निकाल लो, इस जमात को मजबूत करो। आपको इंशाल्लाह इधर जो प्रॉब्लम्स है ना, मौला करेगा वो हल हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, इधर की जमात बहुत मजबूत बनेगी, आपको बहुत काम करने पड़ेंगे। आपको हो सकता है हजर इमाम यहाँ से किसी और जगह भी भेजे, मगर आपके ऊपर नेक्स्ट 10, 20 के 50 बरस के अंदर बहुत कुछ काम करना बाकी है, खसूसन जवानों के ऊपर। उन चीजों का ध्यान रख के आज से काम करो, यूनिटी से रहो, मोहब्बत से रहो, एक दूसरे की मदद करो, जो कर रहे हो और भी करो, पैसे बचाओ और फजूल खर्ची से बचो, अपने मजहब की खूब इबादत और खिदमत करो। इस सिल्वर जुबली का जो काम है उसको एक दफा कामयाब बनाओ, ताकि हमारे मौला का नाम, हमारी जमात का नाम ऊंचा होवे दीन और दुनिया के अंदर। मौला आपको बहुत बरकतें देने वाला है, बहुत भलाइयां देगा, आप बहुत मालदार बनोगे। उस मालदारी के पहले हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। सुखी आबाद रहो, मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ दे, हर बला दूर करे, हर मुश्किल दफे करे, आपकी हर दुआ कबूल करे, आपको मौला दीन में दुनिया के अंदर ऊंचा उठाए, आपके दिलों को अपनी मोहब्बत और नूर से भर देवे, जमातों में, कुनबों में, कुटुंबों के अंदर सलाह सब मोहब्बत इतफाक देवे, दसवन सुकुरीत में पुरा रखे, फरमान बरदार मोमन बनाए, हकीकती समझ देवे, मौला अपनी मारिफत देवे, मौला आपके दिल को खुशियों से भर देवे, मौला जहर बातुन दीदार नसीब करे।